कई बार इंसान जो है तो हमें हमारे सही कर्मों का फल नहीं दे पाता है, हमारी मेहनत का फल नहीं दे पाता है, हमारे पुरुषार्थ का फल नहीं दे पाता है। लेकिन भगवान के लिए अगर एक पुष्प भी उसके चरणों में आपने अर्पित कर दिया तो आपके जीवन को गोविंद महका देते हैं, आपको जीवन को दिव्य बना देते हैं, सब कुछ प्रदान कर देते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम येह जनः पर्युपासते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। उसकी घोषणा है, वो क्या कहते हैं, उनके लिए तो अखिल कोटि ब्रह्मांड उनकी संतान है, गोविंद की, भगवान की, हम सब बच्चे हैं। वो कहते हैं कि तू मुझे भूल गया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम अगर एक बार पुष्प भी नहीं है, अगर कोई जल भी नहीं है, कोई फल भी नहीं है, एक बार तुम प्रेम से मुझे याद तो कर ले, मुझे बुला तो ले, अपने दिल में बिठा तो ले मुझे, मैं तेरी समस्त कामनाओं की पूर्ति कर दूंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तुझे आलिंगन तेरा कर लूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ लूंगा, तुझे गिरने की जरूरत नहीं होगी। ये कृष्ण की घोषणा है। और आप कलयुग में भी कई भक्तों को आपने देखा है, मीरा हो चाहे नरसी भगत हो चाहे कोई हो, किसी ने मीरा को विष दिया, इसी कलयुग की घटना है ना, मीरा को विष दिया और कहा ये कृष्ण ने भिजवाया है, कृष्ण का प्रसाद है। मीरा उस विष को पी गई और विष को पी करके प्रसाद रूप में मीरा अमर हो गई। लोग उसके पदों में पीएचडी करते हैं। पहले हमें मीरा बनना पड़ेगा, हमें गोपी बनना पड़ेगा, हमें सच्चा भक्त बनना पड़ेगा, तब भगवान से हम शिकायत करें। एक बार बनकर को देखो, एक बार रिश्ते बनाकर तो देखो गोविंद से। मैं कहता हूं दुनिया भले आपको ठुकरा दे, दुनिया आपका मोल ना समझे, लेकिन भगवान वो जौहरी है कि हीरी के कद्र को सिर्फ गोविंद समझते हैं, वो ठाकुर जी समझते हैं। इसलिए कहता हूं गोविंद से कोई रिश्ता बना लीजिए, अपने जीवन को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दीजिए, फिर आपके जीवन में कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप गिर जाओ तो फिर कहना कभी नहीं गिरने देगा वो। हम भटक जाते हैं, हमारे जीवन में भटकाव बहुत आ जाता है, हमें लगता है कि शायद होगा या नहीं होगा, इसी रूप में हम डूब जाते हैं। हम कभी यहां गए कभी वहां गए, कभी इसको माने कभी उसको माने कभी उसको माने। भैया जैसे पति एक होता है, जैसे गुरु एक होता है, जैसे स्वामी एक होता है, वैसी इष्ट भी एक रखो, भटकाओ मत करो। 33 कोटि देवता हैं, लेकिन 33 कोटि में किसी एक का चयन करो, एक को मानो जिससे आप रो सको, जिससे अपनी भावना को व्यक्त कर सको, अपनी फीलिंग्स को बता सको, उसको शेयर कर सको। सबसे मत रो देना, जो सबसे रोता है उसकी कोई बात नहीं सुनता है, वो झूठा कहलाता है। सबको इष्ट मत बनाओ, ये व्यासपीठ से निवेदन है। जो हमारे शास्त्र में है उसको मैंने डिकोड किया है, उसको मैंने परिभाषित किया है, उसको मैंने डायग्नोसिस किया है। हमारी जो शास्त्रों की पद्धति है, जो भागवत जी कहती है कि एक इष्ट एक होना चाहिए, पति एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, उसी से सब कुछ जाकर के कहो। जब पीछे आप देखते हो तो कभी ये मिला है कि दो दो इष्ट हैं किसी के, इतने गुरु हैं। शिक्षा तो सबसे ले सकते हो, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। प्रणाम सबको कर सकते हो, लेकिन आपका इष्ट एक होता है, जिससे कभी आप रोते हो कभी हंसते हो। भक्त के तो लक्षण है ना, कभी गोविंद के सामने रोने लगे, कभी गोविंद के सामने नाचने लगे, कभी हंसने लगे।